और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम फिर एक फूडली ब्लॉग लेके आए हैं। तो भाई तुम्हारा आजकल भाई फूडली ब्लॉग ज्यादा बना रहा है, तो गाइस आज कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। कंट्रोल आप वो वीडियो में चेक करना हम क्या बना रहे हैं, और गाइस मजा आएगा बिल्कुल। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कुछ क्रंच सा बना रहे हैं और आज मजा आएगा। तो मतलब मैं मोस्टली घर में आया हूँ, तो हम मतलब घर में नहीं बनाएंगे क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो हम घर के पीछे जाएंगे खेत में, खेत में बनाते हैं। बाकी सबसे जुगाड़ उधर का, और बाकी बने रहना ब्लॉग के साथ, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। तो भाई ने उधर पूरे मतलब कर लिया, पूरा जुगाड़ में तो होगी, गली वगैरह बिछा दिया पूरी। तो अब हम बस जाएंगे उधर और इस चीज़ को बनाते हैं। और इस लोकेशन पे आज का ब्लॉग हमारा शूट हो रहा है। फाइनली पहुंच चुके हैं उसी लोकेशन में। तो भाई ने पूरा इधर का साफ कर दिया है पूरा, और बाकी आपको दिखाते हैं। आपने पहले का ब्लॉग देखा होगा इस खेत का, जो मैंने मक्की वाला डाला था, तो इधर लगा बड़ा कुछ है, आपको दिखाते हैं। पहले भाई देखो संतरे वगैरह लग पड़े हैं, अभी कच्चे हैं बट, और उधर मौसमी वगैरह है, और ये, और भाई ने ये देखो कितना अच्छे तरीके से इधर पूरी दरी वगैरह बिछा दिया। और भाई उनसे आप देखते हो बोन फायर के लिए, मतलब जिस तरह हम चूल्हे होते हैं हमारे इधर, तो वही लगाएंगे और इधर बनाएंगे। तो बने रहना ब्लॉग के साथ, बाकी इंजॉय करो वीडियो को, एंड कर ले भाई चूल्हे वगैरह पी रहे हैं, हम पी लेते हैं इसको, उसके बाद अपना बाकी कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब हम आपको पता है हर बार कुछ अलग ट्राई करते हैं, तो आज हम प्याज को एक लकड़ी का पीस लिया हमने, तो उसके साथ काटेंगे मतलब प्याज पूरा। तो दिखाते हैं आपको कुछ इस तरह से हम काट रहे हैं प्याज को। ये लकड़ी का छोटा सा वुडन लिया है हमने, तो काफ़ी बढ़िया कट रहा है प्याज। हमारे हानू भाई तो आपको पता है शेफ है, पिछली बार मैकरोनी भी उन्होंने बहुत बढ़िया बनाई थी। तो गाइज अनु भाई मेरे को बोल रहे थे तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो गाइज मैं कैसे काम करूँ, कैमरा मेरे को पकड़ना पड़ता है ना, तो फिर कैसे काम करूँ। तो अकेला लगा है वो, काफ़ी गुस्सा हो गया मेरे से। तो गाइज आपको पता है कि कैमरा मैं ही पकड़ूंगा, क्योंकि और कोई तो है नहीं हमारे साथ कि जो पकड़ ले, तो मेरे को शूट करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मेरे को ऐसे जीतते रहते हैं, आप कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है। भाई तुम्हारा आग जलाएगा, तो क्योंकि अनु भाई बाकी बना रहा है रेसिपी उसकी, मतलब मिर्च वगैरह प्याज वगैरह काट रहा है, तो मैं आग बालता हूँ। लकड़ियाँ वगैरह ये हम लकड़ियाँ ले जा चुके हैं, तो आप देखो ये करो लोग को। तो गाइस आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, गाइस कभी भी आप कैंपिंग करने जाएं, कहीं भी जाएं, तो गाइस अपना एक मतलब अलग ही मतलब सामान लेके जाना जलाने वाला, क्योंकि आग नहीं बलती भाई, बड़ी मुश्किल से हमने आग बाली है और काफ़ी टाइम लग गया हमें आग बालने में। तो अभी तो जल चुकी है पूरी आग, बट बड़ी देर लगी। तो गाइस अपने इलेक्ट्रिकल मतलब आजकल बहुत चीज़ें चली इलेक्ट्रिकल गैस वगैरह लेके जाओ भाई, अच्छा है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है आग बालने का वो तो भाई लेके जाओ, वो कर सकता है, बट हमारे पास नहीं है। तो हमारी तो बुरी बहुत ही बुरी हालत हुई, तो अब बढ़ चुकी है, तो अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं और बने रहना गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना इस वीडियो पे, क्योंकि बड़ा मतलब कुछ करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर पहले बनाना पड़ता है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद फिर एक्सप्लोर, फिर अपलोड। तो गाइस काफ़ी टाइम लगता है, तो गाइस प्यार दिया करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भाई अपने की। तो आगे बने रहना ब्लॉग। अब हमने आग बुला दिया और ऊपर कराटी भी रख दी, तो बाकी बनाती है अब, और बाकी पूरी रेसिपी आप देखते हो तैयार हो चुकी है, तो बस रमच है पूरी आप देखते हो। और हम साथ में चपाती भी लेके आए हैं कट करके पूरी, तो अब थोड़ी सी लकड़ियाँ वगैरह लगाते हैं और आग को ज़्यादा करते हैं थोड़ा। आज जब हो
दूसरा एपिसोड फिर पतली पतली सी लकड़ियाँ लेके आ, तो मैं कहाँ से ढूंढूँ लकड़ियाँ, तो ये है कुछ इस तरह से इनको लेके जाता हूँ लोगों को मैंने बाहर तरूस लिए ये उसी को भाषा समझ आ जाएगी जिसने कांगड़ा बज की वीडियो देखी होगी। तो भाई कांगड़ा बज के साथ भी जल्दी हम मिलने जाएंगे, मीटअप करेंगे उनके साथ। आगे का सफर तो पहले पेड़ डालते हैं हम, कितना डालना है भाई मेरे को नहीं पता, पूरे ही तो गर्म होने देते पहले हरी मिर्ची। देखी मिर्च आ रही है हमारी, पहले थोड़ी सी थोड़ा सा पाउडर डालना है इसमें, मतलब उसके बाद भाई अब हम डालेंगे हल्दी, तो हल्दी डालते हैं। काफ़ी बढ़िया लग रहा है बनने में, तो अब हमारे यहाँ लाल मिर्च पाउडर के बाद हमारा आएगा थोड़ा सा धनिया, ज़्यादा नहीं, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकते हैं, हम पसंद नहीं होते हैं ज़्यादा नहीं, तो हम इसमें डालेंगे तो नमक डालते हैं अब दे पाना। तो गाइस अभी आने वाली है स्पेशल चीज़ हमारी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हमने थोड़ी सी ग्रेवी लगा ली, तो क्योंकि हम चपातियों के साथ खाएंगे तो काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। थोड़ी सी रेडी हो चुका है, अब हम आगे का औसत करते हैं शुरू, अब भूख लगी है बढ़ ज़्यादा तो खाते हैं। बढ़िया बना था, बड़ी मिर्ची बड़ी ज़्यादा थी, उधर बन आ रहा हम लोग खत्म कर दिया, हमने बना लिया रहा अभी खत्म हो गया, मटर वगैरह थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। Here we go.
हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? सो भी लिए और बर्तन वगैरह भी हमने कर लिए, साफ कर लिए पूरे। आनू भाई ने किए थे, मैंने भी लिए। तो गाइज आई होप आपको आज का ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो, क्योंकि काफ़ी देर लगी ब्लॉग बनाने में और काफ़ी एडिट भी है करने में, इसमें बड़ी देर लगी एडिट करने में भी। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड गाइज या पूरी वॉच किया करो वीडियो, जिससे मेरे को बहुत टाइम मिल जाए। एंड थैंक यू, आई लव यू ऑल फैमिली। बाय बाय, टाटा, सी यू।